नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आकाश मिश्रा व्लॉग्स। सो दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई है कि अभी हम लोगों को जाना है, अभी मैं जा रहा हूँ एक अंकल के साथ जो कि पड़ोस में रहते हैं, दिल्ली जाना है मुझे, तो उनके साथ निकल रहा हूँ मैं। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है तो चलो चलते हैं। सो गाइस, पहुँच चुके हैं अंकल के यहाँ, मैं मिलवाता हूँ आप लोगों को। अरे अभी थोड़ा हिसाब किताब में बिजी है। और ये है आंटी जी। ना कहाँ पे जाएंगे हम लोग? कनाट सर्कस, कनाट प्लेस, कनाट सर्कस। अच्छा कनाट सर्कस से पीवीआर प्लाजा। अच्छा एंड देन सदर बाजार। अच्छा फिर एक खाड़ी बावली। ओए होए, अच्छा और आगे प्रोग्राम बताएंगे। हम लोग यहाँ जाने वाले हैं, अभी कैब आने वाली, कैब बुक कर लिया तो कैब आते ही हम लोग फिर निकलते हैं यहाँ से। A few inches later, ये है अपनी गाइस पहुंच गए हैं हम कनाट प्लेस। पहुंच गए हम लोग तो कनाट प्लेस के नाम से जानते हैं, अंकल ने बताया कनाट सर्कस है। गाइस जो सामने है पीवीआर प्लाजा। गाइस इस जगह की बात ही अलग है। यहाँ पे तो कितनी मूवी की शूटिंग होती है, बहुत मूवी की शूटिंग होती है। जो दिल्ली में मूवी बनती है ना, वो कनाट प्लेस में शूटिंग होना होती ही है। जो दिल्ली में मूवी बनेगी वो कनॉट प्लेस में जरूर बनेगी। A few moments later. So guys, बैंक का काम हो गया है, अंकल को कुछ काम था, अब हम जा रहे हैं सदर बाजार। रिक्शा मिल गई है, हम लोग जा रहे हैं सदर बाजार, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे सदर बाजार, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं खड़ी बावली पे। देख रहा हूँ यहाँ पे होली की बड़ी जोरों तोरों से तैयारियां चल रही हैं। रास्ते में कई सारी चीजें देखी थी मैंने, होली से रिलेटेड सामान बिक रहे हैं यहाँ पे। A few inches later, guys पहुंच गए हैं खड़ी बावली। तो guys ये जगह जो है ना मसालों के लिए फेमस है, जो आप घर में यूज करते हो। सो गाइज, ये पार्ट मैं घर से शूट कर रहा हूँ। मैं जब खड़ी बावली में था तो वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पाया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, तो गली इतनी पतली थी, वहाँ पे जो लोग थे आ जा रहे थे, तो उस चक्कर में ब्लॉगिंग हो नहीं पाई थी अच्छे से। एक्चुअली जब मैं खड़ी बावली पहुँचा तो मैंने वहाँ देखा कि मसालों के लिए तो वैसे ही मशहूर है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे जो सारे जो ग्रॉसरीज आइटम हैं, प्लस आपके जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने भी चाय कह लो, बर्थडे के जो आइटम्स हैं जो बर्थडे में यूज़ होते हैं, कि जो मंदिर में सजाने के लिए या मंदिर के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी नारियल पानी, सब सार मतलब ए टू जेड सारा आइटम मिलता है वहाँ पे। चावल मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जो भी घरेलू आइटम्स हैं ना, ग्रोसरीज से जितनी भी आइटम्स हैं वो सारी आपको मिल जाएंगी। सो हाँ, मैंने वहाँ पे क्लिप्स ले लिए हैं, आप उन क्लिप्स का इन्जॉय कीजिए। गाइस
few inches later. So guys, अब हम लोग पहुंच गए हैं फतेहपुरी. अब हम लोग फतेहपुरी मार्केट में घूमेंगे. मुझे सामने आप देख रहे हो वो है फतेहपुरी, और ये जो आप देख रहे हो ना डिवाइडर आगे, ये रास्ता जाता है चांदनी चौक को. A few inches later. So guys, अभी लग रही थी हम लोगों को भूख, तो अभी हम लोग आए बीकानेर वाले दिल्ली में जो चांदनी चौक में स्थित है. और हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक इडली है, एक ढोकला मसाले वाली, और ये मसाले वाली इडली है. कैसा अंकल टेस्ट? बहुत बार खाई हुई है. अच्छा अच्छा अंकल, पुराने खिलाड़ी है, यहाँ पे सबको टेस्ट करना है. इसको फिनिश करते हैं फिर आपसे. गाइस, खाना पीना हो चुका है, अब हम लोग जा रहे हैं कपड़े वाली मार्केट में. ये है कपड़े वाली मार्केट, और हम लोग अभी कपड़े वाली मार्केट के अंदर ही घूम रहे हैं. A few moments later. तो गाइस, अभी हम लोग आए हैं बंसल टेक्सटाइल में. मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कपड़े मिलते हैं. ये पैंट के लिए, और ये हो जाएगी वाली है शर्ट के अंदर. बहुत ही रीजनेबल रेट में है, आप लोग जरूर आएंगे यहाँ पे. बहुत पुरानी है ना? बहुत पुरानी है, फिक्स रेट है. अच्छा अच्छा, क्वालिटी कैसी है कपड़े की? क्वालिटी थोड़ी है, सब हर तरह कपड़ा मिलता है. अच्छा अच्छा, सस्ता भी महंगा भी बीच का भी. गाइस, ये बंसल टेक्सटाइल है, यहाँ पे चांदनी चौक में उसकी दुकान है न्यू दिल्ली में. तो आप लोग गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको सीधा आपको मैप मिल जाएगा. So guys, हम लोग घर पहुंच गए हैं, अभी बज रहे हैं 3:45. तो जस्ट अभी हम घर पहुंचे हैं. बाकी हम लोग दिल्ली दिल्ली पूरा घूमे थे, जहाँ पे प्रॉपर एक चांदनी चौक में घूमे थे. एक्चुअली वो चांदनी चौक ही था पूरा एरिया, उसी में हम लोग पूरा घूमे थे. वहाँ पे अंकल ने शॉपिंग करी थी, कपड़े वपड़े लिए और दो चार थोड़े बहुत घरेलू सामान ले लिए. तो बस हम लोग अभी अभी घर बैठे हैं, पानी वानी पी रहे हैं. पहले हम लोग गए थे कनॉट प्लेस, फिर हम लोग गए थे सदर बाज़ार होते हुए खड़ी बावली. खड़ी बावली के बाद हम लोग सीधा गए थे कपड़े वाली मार्केट में. तो कपड़े वाले मार्केट में आपने देखा ही, अंकल ने ही शॉपिंग करी थी. तो अंकल ने ही सारा सामान वगैरह लिया था, क्योंकि मुझे जाना ही इनके साथ था. तो उन्होंने मुझे बोल दिया था कि सैटरडे चलेंगे. सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही. आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में.